देखो इन अंकल जी को टोटल अमाउंट करवाया 13,252 रुपए का टोटल अमाउंट हुआ है, जिन लोगों ने मदद की उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। इन अंकल जी की मदद के लिए मैंने पैसे मांगे थे आपको और इनको हाथ में पकड़ा दिए, मैंने आपको पैसे पकड़ा दिए जी। और अगर भविष्य में कोई और दोबारा भी मदद करना चाहता हो इन अंकल जी की तो आप उनको मदद कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का पैसा हो डायरेक्ट इनके अकाउंट नंबर मैं आपको दे दूंगा, उसमें डाल सकते हैं। और अगर मेरे को देना चाहेंगे तो मैं इनके घर तक इन तक पहुंचवा दूंगा, क्योंकि अभी तो ये जा रहे हैं गोरखपुर। ठीक है जी, राधे राधे। जिन जिन लोगों ने उन अंकल जी की मदद की, जरूरतमंद बंदे की मदद की, उनके नाम राशि और मैं आपको सब बताना चाहता हूँ। प्लीज लास्ट तक वीडियो देखें, स्टार्ट करता हूँ। नितिन पंजाबी बोले तो मैंने दिए 1500 रुपए और उसके बाद में दिए सोनिया पुरोहित वाइफ ऑफ कौशिल पुरोहित मुरलीधर 300 रुपए, संतोष पारिक वाइफ ऑफ वैद्यनाथ पारिक अंत्योदय नगर, जिन्होंने इतनी मदद की है कि अपने घर में रखा, उनको खाने पीने की व्यवस्था दी है, 8-10 दिन अपने घर रखा था, खाने पीने की व्यवस्था दी थी और उन्होंने 1500 रुपए कैश दिए हैं। पंकज कृष्ण छत्तीसगढ़ से 100 रुपए, देवेंद्र सोलवे इंदौर से 101 रुपए, अमित गुप्ता जी ने दिए हैं गोरखपुर से 100 रुपए, रवि गुप्ता जी अमरनाथ ग्रुप से हैं कोई 100 रुपए उन्होंने दिए, रमेश वर्मा सिरसा से हैं जो हरियाणा से उन्होंने 100 रुपए दिए, महेश सक्सेना मुक्ता प्रसाद से उन्होंने 51 रुपए दिए हैं, जीतू राधे जूस सेंटर ने 100 रुपए दिए हैं, हितेन मिड्डा ने 1250 रुपए दिए हैं, जिन्होंने खुद ने तो पता नहीं कितने दिए हैं, बाकी इधर उधर से करवाए 1250 रुपए उन्होंने सहयोग करवाया अपने यार दोस्तों से। गौरव कोल्ड वाटर वालों ने, नवल सिंह जी ने, बन्ना साहब ने 500 रुपए दिए हैं, ललित जी हापुड यूपी से उन्होंने दिए 100 रुपए, विभा खत्री वाइफ ऑफ देवेंद्र रुपेला मुक्ता प्रसाद 1000 रुपए दिए उन्होंने, हरीश मुंजाले जिन्होंने 100 रुपए दिए हैं, सीपी पंजाबी बंगला नगर में रहते हैं जो सब्जी मंडी में उनका काम है 500 रुपए उन्होंने दिए हैं, अशोक जी पारिक जो पारिक चौक के अंदर रहते हैं उन्होंने 2100 रुपए दिए हैं, गगन राजपूत जो जम्मू में रहते हैं उन्होंने 500 रुपए दिए हैं, संदीप रोहतक हरियाणा 100 रुपए, खुशाग राजपाल पवनपुरी जिन्होंने 200 रुपए दिए हैं, विकास खत्री 250 रुपए, किशन जी श्री विनायक मेडिकल स्टोर 100 रुपए, मनीष गुप्ता बस्ती यूपी से 1100 रुपए, और चंदन सिंह जाट जिन्होंने 100 रुपए दिए हैं, मोहम्मद असीम ने दिए हैं 400 रुपए, प्रभु जी तड जिन्हों का पीओपी का काम है उन्होंने 1000 रुपए दिए हैं। टोटल अमाउंट हुआ है 13,252 रुपए, बहुत अच्छा सहयोग हुआ है। एक दिन के अंदर ये पैसे सारे इकट्ठे किए, अगर थोड़ा टाइम मिल जाता तो और पैसे इकट्ठे हो जाते। अब रही बात ये गोरखपुर वापस क्यों जा रहे हैं, क्योंकि इनको यहाँ पे कहीं काम नहीं मिल रहा है, ये सोच रहे हैं कि मैं अपने गाँव चला जाऊं। वैसे गाँव में अब मेरे को कई लोगों ने ऐसे भी बंदे हैं जिन्होंने क्या है कि मुझे ये पूछा था भाई इनके रिश्तेदार कहाँ हैं, इनके परिवार वाले कहाँ हैं, वो हेल्प क्यों नहीं कर रहे। भैया पहले सबने हेल्प की थी, जब इनकी बेटा अपने माँ बाप को मारता था तो गांव के पड़ोस वाले भी लोग इकट्ठे होते थे, जब ये रोज का काम हो गया तो पड़ोसी भी आना बंद हो गए और रिश्तेदार भी आना बंद हो गए। अब ये किसी के घर पे रिश्तेदार वालों के जाते हैं तो रिश्तेदार भी इनकी हेल्प नहीं कर रहे थे, इसलिए मेरा फर्ज बनता था कि अगर मुझे ये बात पता चली है तो मेरे इंसानियत के नाते मैंने कहा चलो कुछ इनकी सहायता की जाए। तो इसलिए मैंने कुछ ग्रुप वालों को मिला करके, कुछ यार दोस्तों को मिला करके, कुछ अपने जानकारों को मिला करके ये 13,252 रुपए की राशि, सहयोग राशि इकट्ठा की है। जिन जिन्होंने पेमेंट दिया उनका तहे दिल से धन्यवाद, आगे भी जरूरत पड़ेगी तो जरूर उनको याद करूंगा। और कई लोग ऐसे भी थे जिन्होंने फोटो मंगवाई, नाम पूछा, एड्रेस पूछा, सब कुछ पूछने के बाद भी 20 रुपए भी नहीं दिए। मैं ये बोलता हूँ भैया देखो मदद करोगे ना तो आपका परमात्मा मदद करेगा, हम किसी की मदद नहीं करेंगे तो हमारी कौन करेगा। तो मैं यही बोलना चाहूंगा कोई बात नहीं, इस बार आपने नहीं की, अगली बार आप जरूर कोशिश करें। जरूरतमंद की आपके आसपास में कोई नजदीक में कोई यार रिश्तेदार परिवार कोई भी अगर दुखी हो परेशान हो तो उसकी मदद करें, उसके सहयोग करें, चाहे आपसे पैसे से बने चाहे शारीरिक बने, कैसे भी हो मदद जरूर करें। अगर आप मदद करेंगे तो परमात्मा आपकी मदद करेगा। कई लोग ऐसे बोलते हैं कि आजकल दुनिया में यार लोग स्वार्थी हो गए, लोग किसी की मदद नहीं करते, जब हम किसी की मदद नहीं करेंगे तो हमारी कौन करेगा। तो इसलिए फिर मिलता हूँ, मेरी बातों का अगर किसी को बुरा लगो तो मैं दिल से माफ़ी चाहता हूँ, मेरा कोई भी किसी का दिल पे ठेस पहुँचाने का कोई भी इरादा नहीं है, बस मैंने तो ये बात बोली है आप लोगों को कहा है कि भाई आप भी मदद करें, मदद के लिए हमेशा आगे बढ़ें। मैं आप लोगों को यही बताना चाहता हूं कि 2019 के अंदर कोविड लग गया था, उस टाइम में एक जरूरतमंद बच्ची की शादी करवाई थी जिसमें 1,00,000 रुपए तक कैश इकट्ठा हुआ था और 30-40 हज़ार के बर्तन हुए थे और 30-40 हज़ार का राशन कराया था लोगों ने इकट्ठा। उस ग्रुप में जिन लोगों ने करवाया था वो इस बार भी वो आगे बढ़कर के उन्होंने मदद कराई, उसका उन लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। ये उस समय मेरे को टाइम मिल गया था 10-12 दिन का, इस बार इतना टाइम नहीं मिल पाया, ज्यादा पैसे इसलिए इकट्ठे नहीं हुए, एक दिन के अंदर 13,000 रुपए इकट्ठे किए हैं, अगर टाइम मिल जाता तो 40-50 हज़ार रुपए का हो जाता काम। चलो कोई नहीं, अब किसी की जरूरत हो रियल में मजबूर हो वही बंदा संपर्क कर सकता है, कोशिश करेंगे, करने वाला ऊपर वाला है, कोशिश करेंगे उसकी मदद करने की।
मेरा एक YouTube चैनल है नितिन मिड्डा के नाम से, वो इसीलिए बनाया था कि जरूरतमंद की हेल्प हो सके। उसमें आप जाकर के नितिन मिड्डा YouTube पे सर्च मार करके चले जाना, उसमें क्या है जरूरतमंद की हेल्प की जाती है, जैसे किसी को फ्री खून चाहिए या कोई भी चीज़ फ्री चाहिए, दवाइयाँ फ्री चाहिए या किसी भी प्रकार की, तो वो चैनल उसलिए बनाया था। अभी मैं उस चैनल पर ध्यान नहीं दे पाता हूँ, मैं बिजी रहता हूँ। उस चैनल पर आपको महंगे महंगे ऑपरेशन फ्री में करवा सकते हैं आप, क्योंकि मैंने डायरेक्ट संस्थाओं के नंबर दिए हुए, जहाँ पे आप जाकर के उनके नंबर भी दिए हैं, पहले आप घर पे जा घर से अपने मोबाइल से उनको फोन करें, उन संस्थाओं को कंफर्म करें, उसके बाद में आप वहां जाकर के अपना फ्री लाखों रुपए का इलाज फ्री करा सकते हैं उनके दिए। वो आप चैनल सब्सक्राइब करना चाहें तो कर सकते हैं। एक मेरा चैनल और है नितिन पंजाबी के नाम से, पूरे हिंदुस्तान की जानकारी देता हूं, प्लीज उसको भी प्यार दें, सपोर्ट करें। राधे राधे भाइयों, एक बुजुर्ग अंकल हैं जिनकी एज है 64 साल, वो 30-35 साल से बीकानेर सिटी के अंदर रह रहे थे, जिन्होंने क्या अपना मकान बेच करके गोरखपुर में चले गए, यूपी में कोई गांव है वहां चले गए। वहां जाने के बाद में उनका एक ही लड़का है जो एकदम शराब के नशे में लुप्त हो गया, शराब पीने लग गया, दुनिया भर की हालत ये कर दी कि जो वो यहाँ से मकान बेच के गए थे बीकानेर सिटी से, वो वहां पे क्या है कि उन्होंने वापस बनाया गांव के अंदर, उसके बेटे की ये हालत होगी कि उसने घर की टूंटियां, घर के मतलब कि जो भी घर के सामान थे ना, तोड़ तोड़ के बेच करके शराब पीने लग गया, घर के गेट तक उसने बेच दिए तोड़ के, और माँ बाप ने मना करता है तो माँ बाप को मारता है। हालत ही होगी, वो बुजुर्ग आदमी इतना बुजुर्ग है कि उसको 3-4 दिन से मैं नौकरी लगवाने की सोच रहा हूँ, जिन फैक्ट्री में वो खुद पहले काम करते थे वहाँ भी गए, उस टाइम में वहाँ पे वो टॉप के इंजीनियर हुआ करते थे, और टॉप के इंजीनियर हैं वो, मतलब कि कोई भी मशीनरी आइटम होना वो तुरंत उसकी सोल्यूशन निकाल सकते हैं, पर उनको कोई काम नहीं दे रहा क्योंकि उनकी एज इतनी होगी कि लोग फैक्ट्री वाले डरते हैं कि कल को इसको कुछ हो गया तो हमें हमारे दिक्कत ना हो जाए। बुजुर्ग आदमी काम कर नहीं सकता, हाथ कपकपाते हैं तो मशीन में काम देना नहीं चाहते। मैंने 2-3 जगह चौकीदारी का पूछा, ये पूछा, तो लोग कहते हैं कि भाई साहब दे तो दें पर सैलरी इतनी कम दे रहे हैं कि वो कैसे गुजारा करें, क्योंकि यहाँ पे अब उनको बीकानेर सिटी के अंदर किराए पे रहना पड़ेगा और किराया आज के टाइम में 5-6 हज़ार रुपये से नीचे नहीं है, तो अब अपनी वाइफ को भी साथ में रखें, अपना पालन पोषण भी कर लें, किराया भी कर लें, तो ये सब पॉसिबल हो नहीं पा रहा है। अभी वो बीकानेर के अंदर किसी के घर में रुके हुए हैं, आए हैं गोरखपुर से, पड़ोसी थे जो उनके 30-35 साल से जिनके अच्छे रिश्ते थे उनके, उनके घर में आसरा ले रखा है। अगर कोई बंदा उनकी मदद करना चाहता हो 100, 50, 20 रुपए जितनी भी आपकी इच्छा हो, आप अंत्योदय नगर के अंदर A-102 में जाओ और वहां पे दे सकते हो। मैं उनकी फोटो लगा दूं अंकल की और उनसे संपर्क करके उनके हाथ में दे सकते हो। वो फोन पे गूगल पे पेटीएम नहीं चलाते हैं, आपको कैश में देनी पड़ेगी। अगर कोई बंदा मुझे देना चाहता है तो मुझे दे सकता है, अपना नाम नोट करा दे, मैं वहां जाके उनके हाथ में पकड़ा दूंगा उनकी। प्लीज उनकी मदद करें, बहुत परेशान है अभी, बहुत मतलब कि उनकी हालत ख़राब है, खाने को रोटी भी नहीं है। हालत यह है कि 2 दिन लोगों ने काम बुलाया, उनको काम पे बुलाया और उनको पैसे भी नहीं दिए, क्या कि यार 2 दिन के कोई पैसे थोड़ी होते हैं। अब हालत यह है कि वो जिनके घर में अभी रुके हुए हैं बीकानेर सिटी में, वही उनको खाना खुना खिला रहे हैं, वही उनको रुकने की व्यवस्था दे रहे हैं, तो वो सोच रहे हैं कि या तो मुझे कोई काम धंधा खुलवा के दे दे भाई, कोई ढाबा कोई कुछ खुलवा के दे दे, या वो सोच रहे हैं कि मैं वापस अपने गोरखपुर के पास में कोई गांव है वहां जाऊं और वापस देखता हूं मेरे कुछ ना कुछ जुगाड़ करता हूं, कुछ पैसे की व्यवस्था कोई करवा दे। तो मैं आप लोगों से ये बोलना चाहूंगा, जैसे पिछली बार भी एक मुहिम हमने चलाई थी, मैंने चलाई थी, जो 2019 के अंदर कोविड के बाद में, कोविड आ गया था, एक जरूरतमंद बच्ची थी जिसकी शादी करानी थी, आप लोगों ने बहुत सहयोग किया था, आप लोगों ने 1 लाख रुपए तो कैश इकट्ठा करवा दिया था और कितने ही बर्तन करवा दिए थे, कितने ही उनको राशन पानी की सुविधा करा दी थी, उस बच्ची का बहुत धूमधाम से शादी करवाई थी आप लोगों ने। तो मुझे बड़ी उम्मीद है आप लोगों से कि प्लीज़ आप इस भाई सब का भी हेल्प करें और मुझसे कॉन्टैक्ट करें। आप कहेंगे तो मैं उनको डायरेक्ट उनके हाथ में दिलवा दूंगा पैसे, उनके घर ले जा करके। फिर मिलता हूँ, प्लीज़ ज़रूर हेल्प करें, बहुत ज़रूरतमंद इंसान है वो। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।